हरे कृष्णा। आज हम एक कहानी सुनेंगे, कैसे कृष्णा अरिष्टासुर का वध करते हैं और कैसे राधा कुंड श्याम कुंड बनाते हैं। तो एक दिन कृष्ण को मारने के लिए कंस अरिष्टासुर को भेजते हैं, जो कि बहुत ही भयानक बैल के रूप में वहां पर प्रकट होता है और पूरे वृंदावन में त्राहीमाम, पूरे वृंदावन का तहस नहस कर देता है, अपने सभी मकानों को तोड़ देता है और वृंदावन बने हुए एक बांध को, दीवार को बहुत जोर से अपनी सींगों के प्रहार से उस पूरे बांध को तोड़ देता है और पूरा पानी, बांध का पानी पूरे वृंदावन में फैल जाता है और पूरे वृंदावन के लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि, और वो इतने डर जाते हैं कि कैसे हम इस भयानक राक्षस से बचेंगे। कृष्णा तुरंत वहाँ पर अपने भक्तों को बचाने के लिए वहाँ पर आते हैं और वो अरिष्टासुर को चुनौती देते हैं और अरिष्टासुर कृष्ण को मारने के लिए दौड़ता है और अपने सींग के प्रहार से कृष्ण को मारना चाहता है, लेकिन कृष्ण उसके सींगों को पकड़ के और उसको घुमा देते हैं चारों तरफ और दूर फेंक देते हैं। लेकिन एक बार फिर वो कृष्ण को मारने के लिए दौड़ता है तो कृष्ण उसके सींग को पकड़ के जोर से उस प्रहार उसके सर पे करते हैं और इस तरह अरिष्टासुर का वध हो जाता है। जैसे अरिष्टासुर का वध होता है, इसके बाद सभी वृंदावनवासी खुशी मनाते हैं। उसके बाद तभी वहाँ पर जो गोपियाँ हैं कृष्ण को बोलती हैं कि कृष्ण, आपने एक बैल का वध किया है, आपने एक बहुत पाप किया है, इसके लिए आपको पश्चाताप करना होगा। तो कृष्ण बोलते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? बोलते हैं, गोपियाँ बोलती हैं, आपको जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उन सब में आपको स्नान करना होगा। कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं स्नान करने नहीं जाऊँगा, सारी नदियाँ मेरे पास आ जाएंगी। तो कृष्ण सारी पवित्र नदियों को, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सबको वहीं बुला लेते हैं और जहाँ पर अरिष्टासुर को वध किया बड़ा सा गड्ढा वहाँ पर बन गया था उसमें सारी नदियों का पानी भर जाता है। तो कृष्णा उस पानी में स्नान करते हैं और वो बन जाता है श्याम कुंड। तो कृष्णा बोलते हैं, मैंने तो अपना स्नान करके सारा पाप धो लिए हैं, लेकिन आपने अरिष्टासुर का साथ दिया है, उसका पक्ष लिया है, इसलिए आप भी पाप के भागी हैं। तो बोलते हैं, आपको भी स्नान करना होगा पवित्र नदियों में। तो गोपियाँ बोलती हैं, नहीं, हम आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। तो सभी गोपियों ने अपने कंगन से एक वहाँ पर एक और कुंड बनाना प्रारंभ किया और कृष्ण बोलते हैं कि, लेकिन इसमें पानी नहीं है, पानी कहाँ से लाएंगे? तो गोपियाँ बोलती हैं, नहीं, हम गोवर्धन के किनारे जो मानसी गंगा है वहाँ से पानी भर के लाएंगे और उस पानी से हम इस कुंड को बनाएंगे। तो जैसे वो पानी भर के लेके आती हैं अपनी मटकियों में, लेकिन वो कुंड में पानी कम हो जाता है, भर नहीं पाता है और गोपियाँ पानी भरते भरते इतनी परेशान थक जाती हैं, गिर जाती हैं बेहोश होकर के। तो कृष्ण उनकी परेशानी समझ के सारी नदियों को बोलते हैं कि आप उनकी हेल्प करिए, उनको मदद करिए। और तो सारी नदियाँ राधा रानी से प्रार्थना करती हैं कि हम आपके किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो राधा रानी उनको कहती है कि हमें ये कुंड का पानी, जो सारी नदियों का पानी है, इसमें लाना है। तो नदियाँ तुरंत वहाँ पर उस अपने पानी से उस कुंड को भर देती है। कृष्ण राधा कुंड में जाके स्नान करते हैं और सभी गोपियाँ बोलती हैं कि, कृष्ण, आपका श्याम कुंड भी बहुत सुंदर है। तो सारी गोपियाँ श्याम कुंड में स्नान करती हैं। तो इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और सभी गोपियाँ और गोपाल और कृष्ण वहाँ पर स्नान करते हैं। ये थी आज की कहानी। हरे कृष्ण।